नमस्ते छात्राः, टुडे विल स्टार्ट न्यू लेसन, लेसन नंबर 10, लेसन नेम इज एतत् मम गृहम्, एतत् मम गृहम् मींस दिस इज माय हाउस। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। सो फर्स्ट विल ट्राई टू read the lesson. I'll read, you have to copy with me, you have to repeat with me, then it will be very easy to pronounce. Ready? Etat mama gruham. Once again, etat mama gruham. Clear? सा मम माता, सा पचति। नेक्स्ट, सः मम पिता, सः शाकानि फलानि च आनयति, सः मम पितामहः, सः चायं पिबति, सा मम पितामही, सा देवं पूजयति। नेक्स्ट, एषः मम अनुजः, एषः खेलति। लास्ट लाइन, एषा मम अनुजा, एषा हसति। क्लियर? नाउ will read full sentence. Ready? Etat mama gruham. Sa mama mata. You have to copy with me or repeat with me. Sa pachati. Saha mama pita. Saha shakani phalani च आनयति, सः मम पितामहः, सः चायं पिबति, सा मम पितामही, सा देवं पूजयति, एषः मम अनुजः, एषः खेलति, एषा मम अनुजा, एषा हसति। सो लाइक दिस यू हैव टू रीड, इज क्लियर? नाउ हियर एनी बॉय और एनी गर्ल इंट्रोड्यूसिंग हिज और हर फैमिली मेंबर्स। Okay, I'll introduce him myself or I'll introduce him my family members. Now, first I'll introduce him. Etat mama gruham. This is my house. Etat. Etat means what? Okay, this or this is. But etat is a
प्रणाउन सर्वनाम शब्द एतत् मम गृहम्। इफ आई से एषः मम गृहम् इज राइट। इफ आई से इफ आई आस्क यू गाइस एषः मम गृहम् इज राइट सेंटेंस। सो व्हाई नॉट राइट, बिकॉज गृहम् इज ए नपुंसकलिंगे थिंग वर्ड, दैट्स व्हाई आवर प्रोनाउन आल्सो केम नपुंसकलिंगे। सो एतत् मम गृहम्, यू कांट से एषः मम गृहम्, यू से एतत् एतत् मम गृहम्, दिस इज माय हाउस। क्लियर? आफ्टर आई विल इंट्रोड्यूसिंग माय फैमिली मेंबर विल स्टे इन माय हाउस। सा मम माता, सा मम माता। सा पचति, सा पचति। सो सा मम माता, माता मीन्स ऑल ऑफ यू नो मदर। सा मम माता इज माय मदर, सॉरी सी इज माय मदर। सा पचति, सा मीन्स हु। सा मम माता, सा पचति। सा मीन्स हु हियर, सा मीन्स माता, माता पचति। क्लियर? सा मम माता, सा पचति। सा मीन्स माता, हियर सा इज ए प्रोनाउन। सो माता पचति, पचति मीन्स यू कैन से कुकिंग और प्रिपेयरिंग एनी फूड और मेकिंग एनी डिशेस लाइक दिस। पचति मीन्स कुकिंग। इफ आई आस्क का पचति, का पचति, हु इज कुकिंग, हाँ माता पचति, माता पचति। इसके लिए यू कैन से सा पचति, सा मीन्स का, हु इज सा हियर, सा मीन्स माता। सो माता पचति, पचति मीन्स कुकिंग प्रिपेयरिंग एनी फूड लाइक दिस, इज दैट क्लियर। सो एतत् मम गृहम्, दिस इज माय हाउस। सा मम माता, सी इज माय मदर। सा पचति मीन्स मदर, पचति मीन्स कुकिंग मेकिंग फूड प्रिपेयरिंग एनी डिशेस लाइक दिस, इज क्लियर। नेक्स्ट, सह मम पिता, सह मम पिता। यस सह इज अ प्रणाउन, सह मम पिता, पिता मीन्स हाँ जनक फादर। सो ही इज माय फादर। सह, सह मीन्स हु, सह मम पिता। सह शाकानि फलानि च आनयति, सह मीन्स हु, सह मीन्स पिता। पिता शाकानि फलानि च आनयति, शाकानि यू कैन से वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। फलानि, ऑल ऑफ यू नोस फलानि मीन्स फ्रूट्स। च, च मीन्स एंड एवं, इज क्लियर, च मीन्स एंड और एवं। आनयति, आनयति मीन्स ब्रिंग और ब्रिंगिंग। नाउ इफ आई आस्क कह मीन्स हु शाकानि फलानि च आनयति, हु ब्रिंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हाँ पिता शाकानि फलानि च आनयति, इज क्लियर। नाउ सह मम पिता, इज माय फादर। सह मीन्स हु, पिता फादर। शाकानि फलानि च आनयति, फादर्स ब्रिंगिंग व्हाट, वेजिटेबल्स और एंड फ्रूट आल्सो, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, सह मम पितामहः, सह मम पितामहः। मम मीन्स माय, पितामह मीन्स लाइक दिस, नो मम नाम। सो मम मीन्स माय, इज क्लियर। एतत् मम गृहम्, दिस इज माय, मम मीन्स माय।
हाँ वे कम बैक सह मम पितामहः नाउ आई टेलिंग अबाउट माय ग्रैंडफादर पितामहः मींस ग्रैंडफादर फादर फादर यू कैन से सो सह मम पितामहः इज माय ग्रैंडफादर सह चायं पिबति सह मींस हु पितामहः सह मींस पितामहः चायं पिबति चायं मींस टी पिबति मीन्स ड्रिंकिंग पितामहः चायं पिबति मीन्स ग्रैंडफादर ड्रिंकिंग टी दैट्स कॉल्ड पितामहः चायं पिबति और सह सह चायं पिबति सह मीन्स पितामहः चायं पिबति पितामहः मीन्स फादर फादर ग्रैंडफादर व्हाट ही इज डूइंग पितामहः ना चायं पिबति ही ड्रिंकिंग टी इज क्लियर सो सह मम पितामहः ही इज माय ग्रैंडफादर सह चायं पिबति ही ड्रिंकिंग टी सा मम पितामही सा मम पितामही पितामही मीन्स फादर मदर ग्रैंड मा यू कैन से फादर मदर पितामही सा मम पितामही आई इंट्रोड्यूस माय ग्रैंड मा सा मम पितामही देन सा देवं पूजयति सा मीन्स हू हियर हाँ पितामही करेक्ट देवं पूजयति पितामही डूइंग पूजा देवं मीन्स गॉड देवं पूजयति पूजयति मीन्स यू कैन से वर्शिप और पूजा इज क्लियर नेक्स्ट लाइन एषः मम अनुजः लुक एट सः एषः शः एषः शः एषः इज अ डिफरेंट शः रामः एषः रामः फॉर एंड नियर इज क्लियर नाउ एषः मम अनुजः एषः लुक एट एषः मम अनुजः मीन्स यंगर ब्रदर स्मॉल ब्रदर यू कैन से एषः मम अनुजः अनुजः मीन्स स्मॉल ब्रदर और यंगर ब्रदर एषः मीन्स अनुजः एषः मीन्स अनुजः स्मॉल ब्रदर एषः खेलति खेलति मीन्स प्लेइंग खेलति मीन्स प्लेइंग हु इज प्लेइंग हियर अनुजः इस क्लियर एषः मम अनुजः एषः मीन्स अनुजः खेलति खेलति मीन्स प्ले नेक्स्ट लास्ट लाइन एषा मम अनुजा लुक एट सा एषा सा माता एषा माता सा बालिका एषा बालिका लाइक दिस सो एषा मम अनुजा अनुजा मीन्स यू कैन से यंगर सिस्टर अनुजा मीन्स यू कैन से स्मॉलर सिस्टर और यंगर सिस्टर एषा मम अनुजा एषा मम अनुजा देन एषा मीन्स अनुजा अनुजा किं करोति अनुजा हसति हसति स्मिल स्माइल्स और स्माइलिंग का हसति अनुजा हसति अनुजा हसति एषा का एषा अनुजा लाइक दिस एषा का ना एषा अनुजा एषा हसति नाउ मेक द क्वेश्चन का हसति अनुजा हसति हसति मीन्स स्माइलिंग सो एषा मम अनुजा सी इज माय यंगर और स्मॉलर सिस्टर एषा हसति सी इज स्माइलिंग Is that clear? Now, you can see end of the sentence verb is there. Look here, end of the sentence is here one sentence and here one sentence and end of the sentence, end of the line you can say end of the line and each end of the line one verb is there. Verb means kriyapadam. Look here, etat mama gruham. So end of the line kriyapadam is there. No, etat mama gruham. सा मम माता
सा पचति. सो व्हिच वन इज वर्ब द फर्स्ट लाइन व्हिच वन इज वर्ब पचति इज अ वर्ब पचति पचति मीन्स कुकिंग मेकिंग फूड इज दैट क्लियर नेक्स्ट लाइन सह मम पिता सह शाकानि फलानि च आनयति सो व्हिच वन वर्ब क्रियापदम आनयति ब्रिंगिंग और ब्रिंग आनयति क्लियर लास्ट लाइन थर्ड लाइन यहां पूछते हैं व्हिच वन वर्ब सह मम पितामहः सह चायं पिबति टेल इन दिस लाइन व्हिच वन वर्ब पिबति करेक्ट ड्रिंकिंग अ ड्रिंक नाउ फोर्थ लाइन सा मम पितामही सा देवं पूजयति सो व्हिच वन वर्ब पूजयति नेक्स्ट लाइन एषः मम अनुजः एषः खेलति इन दिस लाइन व्हिच वन वर्ब खेलति प्लेइंग लास्ट लाइन एषा मम अनुजा एषा हसति व्हिच वन वर्ब हसति स्माइलिंग लुक हियर व्हेन यू हैव टू रीडिंग दिस लेसन एंड एंड ऑफ द लाइन verb is there that time you have to pronounce loudly when verb will come you have to pronounce loudly how I'll give you example etat mama gruham sa mama mata sa pachati like this so you have to pronounce where you have to see the verb you have to pronounce loudly next line look here saha mama pita सह शाकानि फलानि च आनयति आनयति नेक्स्ट लाइन सह मम पितामहः सह चायं पीवति लाइक दिस यू हैव टू प्रोनाउंस लाउडली व्हेन यू सी द वर्ब यू हैव टू प्रोनाउंस लाउडली क्लियर सो वंस अगेन आई रीड दिस लेसन I introducing my family members. You can see. Etat mama gruham. Sa mama mata. Sa pachati. Saha mama pita. Saha shakani. फलानि आनयति नेक्स्ट सः मम पिता महः सः चायं पिबति नेक्स्ट सा मम पितामही सा देवं पूजयति एषः मम अनुजः एषः मम अनुजः एषः मीन्स अनुजः खेलति लास्ट लाइन एषा मम अनुजा एषा मम अनुजा एषा हसति एषा हसति लाफिंग और स्माइल It's clear. So you have to read this lesson. So in your textbook, end of the lesson, some keywords is there. Not keywords, is a kriya padam is there. We'll try to read once. You can see the picture and you can understand easily. Look here. Etat mama gruham, the house picture is there. Sa mama mata, mother picture is there. Mother cooking like this. Father is there, father shakani, falani, anayati, bringing vegetables, fruits, all those things. You can see easily understand, you see the picture. Then, kriyapadani means verb. You can read yourself. Vikasati. Vikasati means blooms. Next, down. Patati. Falls or falling. Chalayati. Drives. Next, dhavati, runs, or running.
गायति सिंग्स और सिंगिंग, जानाति नोस आई नो सिम अहम जानामि नोस जानाति. नेक्स्ट वन चलति मूव्स और यू कैन से वर्क चलति. लास्ट वन वदति स्पीक्स और सेइंग समथिंग वदति. क्लियर. सो विकसति पतति चालयति धावति गायति जानाति चलति वदति. सो टू टाइम्स थ्री टाइम्स यू हैव टू रीड दिस लेसन बिकॉज यू हैव टू प्रोनाउंस प्रॉपरली. यू हैव टू प्रोनाउंस प्रॉपरली स्लोली. यू हैव टू रीड. When you see the video, you get the textbook and keep it with you. And you have to copy with me. Is that clear? So next class onwards, we'll start the revision. Thank you. Dhanyavad.